आईबीएस पेट विकार के 10 लक्षण, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति अज्ञ महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। 10 लक्षण कौन से है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के या पेट विकार के, इसके पहले भी मैंने पेट विकार का मानसिक कनेक्शन इसके बारे में वीडियो डाला हुआ है। पेट विकार में होता क्या है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में कि आपको सभी लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं मगर इन्वेस्टिगेशन में जांच पड़ताल में कुछ निकलता नहीं है, वहाँ सब निगेटिव रिपोर्ट आते रहते हैं। पेट विकार जो मेनली ऐसा होता है कि जो बड़ी आंत और छोटी आंत रहती है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर बाद में कोलॉन, एनस तक, इसमें मूवमेंट जो है वो मूवमेंट कम ज़्यादा होती रहती है। उनकी जो नॉर्मल मूवमेंट होना चाहिए वो नॉर्मल मूवमेंट होती नहीं है और उससे प्रॉब्लम होता है। अंदाजन 6 से लेकर 18% लोगों को ये प्रॉब्लम है। अब इसमें लक्षण कौन से, नंबर एक डायरिया होता है, मतलब ज़्यादा शौच को लगना। क्या होता है ये लोगों में, एक तो पानी जो एब्सॉर्व होना चाहिए वो पानी एब्सॉर्व होता नहीं है, इसलिए ज़्यादा लेटरिन को लग जाती है, तो उनको ऐसा एक महसूस होता है कि भाई 3-4-5 बार जाना पड़ता है और पतली संडास होती रहती है। नंबर दो, एक तो पतली संडास होती है या संडास होगी नहीं, मतलब डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन ऑल्टरनेट होगा, संडास ही नहीं होंगी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, क्योंकि जब ज़्यादा पानी खींच लेता है आंत तो फिर क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होता है, लैट्रिन सख्त होती है, हार्ड होती है, निकलती नहीं बाहर, कुछ कुछ लोग बोलते हैं उंगली डाल के निकालना पड़ता है, ये दूसरा। तीसरा, पेन रहता है, क्रैम्प्स, मतलब ऐसी लहान छोटी आंत जो है वो ऐसी अकड़ जाती है, सुकड़ जाती है, छूट जाती, बड़ी होती है, ऐसा क्रैम्प्स होते हैं पेट में, और गैस होता है, गैस मतलब ऐसा पेट में फूला फूला लगता है, बहुत पेट और बहुत ही गैस निकलता है, एक तो ऊपर से गैस निकलता है, नीचे से गैस निकलता है, और गैसेस डिस्टेंशन काफ़ी सारा होते रहता है। चार, फटीक, मतलब ज़्यादा थक जाना और नींद में डिस्टर्बेंस आना, पेट ठीक नहीं है तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा थकान आ जाती है और नींद ये लोगों को अच्छी लगती नहीं है। पाँच, इनको डिप्रेशन और एंग्जाइटी रहती है, क्या होता है कि जो पेट ठीक नहीं है तो फिर ये लोग नर्वस रहते हैं, सैड रहते हैं, या चिंता रहती है, तनाव आता है, स्ट्रेस आता है। अभी ऐसा है कि स्ट्रेस आने से ये बीमारी होगी कि बीमारी की वजह से स्ट्रेस आ रहा है, तो देखना ही पड़ेगा कि भाई जब मिलता ही नहीं कुछ तो स्ट्रेस है दिमाग में, उसके वजह से ये टेंशन आते रहता है पेट के ऊपर। छठवा, बहुत ज़्यादा एसिडिटी आती है इनको होती है, मतलब बहुत ज़्यादा जलन होती है छाती में, पानी ऊपर आता है या ज़्यादा पानी पानी होता है मुँह में, या अनाज ऐसा लगता है कि उनको ऊपर आ जाएगा, ऐसा बहुत एसिडिटी और रीगर्गिटेशन उनको बोलते हैं, तो ये होता है, या फिर हिचकी लगती है या ढकार आती रहती है, तो ये एक सिम्टम होता है। फिर सातवां है, कुछ लोगों को बिल्कुल ही कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन इसका मतलब है कि लैट्रिन होना ही नहीं, दो दो तीन तीन दिन, चार चार दिन, क्या होता है कि इनका इंटेस्टाइन जो है कुछ लोगों का इतना वो खींच लेता है पानी कि स्टूल बहुत ही हार्ड हो जाता है, फिर उनको लैक्सेटिव लेना पड़ता है, संडा साफ होने की दवाई लो, मूवमेंट की दवाई लो, और फिर उनको लैट्रिन होती है। आठ, जो मूवमेंट्स रहती है इंटेस्टाइन की, वो मूवमेंट में बहुत चेंजेस आते रहते हैं, मतलब ऐसा गड़गड़ गड़गड़ आवाज़ आ जाएंगी, कभी ऐसा फूला सा हो जाएगा, कभी अंदर चले जाएगा, ऐसा पेट में चालू रहता है उनको, कभी इतना टाइट हो जाएगा पेट, बहुत टाइट हो जाएगा, सख्त हो जाता है पेट, तो कभी एकदम नरम हो जाएगा, तो ऐसे लक्षण ये पेट के दिखाई देते हैं। नौ, इनको फूड इंटॉलरेंस रहता है, फूड इंटॉलरेंस मतलब कुछ इनको अनाज चलता ही नहीं है, ऐसा कुछ लोगों को खट्टा चलता नहीं है, कुछ लोगों को तीखा चलता नहीं है, कुछ लोगों को तेल वाला जो है मसालेदार चलते नहीं है, ऐसा इनके काफ़ी मतलब फूडीज रहते हैं कि भाई ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, ये खाए तो जलन, ये खाए तो पचन नहीं होना वगैरह, ऐसा होते रहता है। दसवां, लॉस ऑफ एपिटाइट, खाने की इच्छा नहीं होती, एक तो नौशिया होता है कुछ लोगों को, नौशिया मतलब जी मचलाना, कभी उल्टियाँ आती है बिना वजह, कोई कारण नहीं उल्टियाँ आती रहती है, नौशिया है, या फिर भूख नहीं लगती है और फिर वो खाना खाते नहीं, इनका वजन फिर कम हो जाता है, उसके वजह से बहुत ज़्यादा वजन घट जाता है, लोग ऐसे मुझे मिले हैं कि 20-20 किलो वजन 6 महीने में कम हो गया, ऐसे भी एकदम दुबले पतले हो जाते हो। तो ये जो है ये 10 लक्षण है कि जिससे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हम कह सकते हैं कि इनको बीमारी है, अर्थात सभी लक्षण होना जरूरी नहीं है। इसके इलाज क्या है, इसका इलाज है कि टेंशन कम करो, स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्सेज करो, हिप्नोथेरेपी करो, साइकोथेरेपी, मेडिटेशन, कुछ दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ लो, हम कुछ इंजेक्शन देते हैं इनको, इंजेक्शन लेंगे तो बहुत फ़ायदा होता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर वो लोगों को शेयर करो जो लोग इससे ग्रसित है, पीड़ित है, पता ही नहीं, मतलब जैसे मैंने 6 से 18% लोग, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और वो यदि लोग अच्छे होते हैं तो
उनका जीवन अच्छा हो जाएगा। काफी लोग हमें संपर्क करते हैं, आप भी हमें संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे नंबर दिए उसके ऊपर, और मेरा कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। हमारा ऐप भी है वो डाउनलोड कीजिएगा, उसमें भी फ्री चैटिंग आप कर सकते हैं। हमारे वेबिनार्स होते हैं, अभी हम लाइव यूट्यूब वेबिनार है, लाइव जूम वेबिनार है, और फेसबुक लाइव सेशंस है, तो उसके लिए जानकारी के लिए आप हमारे जो काउंसलर उनको फ़ोन करो और उसकी जानकारी ले लो, और वो जूम लिंक जो है वो भी आप हमारे से। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयरकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।